हेलो एवरीवन, देखिए इस वीडियो में हम प्रूव करेंगे लिमिट एक्स टेंड टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन डिवाइड में हमें दिया है एक्स माइनस ए इक्वल दिया है हमें एन इंटू ए की पावर एन माइनस वन, और एन है वो यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, तो अगर यहाँ पर मैं एक्स को ए से टेंड करवाऊँ तो हमारे पास देखिए यहाँ पर ए एक्स की जगह ए रखेंगे तो ऊपर आ जाएगा ज़ीरो, क्योंकि ए की पावर एन माइनस ए की पावर एन क्या हो जाएगा, ज़ीरो, और एक्स माइनस ए ज़ीरो, तो यहाँ पर हमारे पास 0/0 फॉर्म बन रही है। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सोल्व करूँगा, देखिए यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, मैं पुट एक्स इक्वल ए प्लस टी पुट कर देता हूँ यहाँ पर मैं पूरे में। ओके, और देखिए अगर यहाँ पर एक्स ए को टेंड कर रहा है, व्हेन एक्स ए को टेंड कर रहा है यहाँ पर, तो जो यहाँ पर टी टी यहाँ पर वेरिएबल है और ए कोई भी कॉन्स्टेंट है। ओके, टी किसको टेंड करेगा, टी टेंड करेगा यहाँ पर 0 को, क्योंकि हमने यहाँ पर ए की एक्स की वैल्यू रखेंगे तो एक्स की वैल्यू ए है, ए इक्वल ए प्लस टी क्या हो जाएगा, टी इक्वल 0। ओके, तो इसलिए टी किसको टेंड करेगा, 0 को। तो ये हम पुट कर देते हैं लिमिट टी टेंड टू 0, और एक्स की जगह हमने क्या रखना है, ए प्लस टी, तो ए प्लस टी की पावर एन माइनस ए की पावर एन और डिवाइड में ए प्लस टी और माइनस ए। ओके, तो देखिए यहाँ पर लिमिट टी टेंड टू 0, और यहाँ पर ए ए को मैं बाहर लेकर आऊँगा, तो इस ए प्लस टी की पावर एन है तो अंदर क्या बचेगा, क्योंकि ए ए को बाहर लेकर आएंगे तो पावर भी एन साथ में आएगी। ओके, तो पावर यहाँ पर 1 बचेगा प्लस इसके डिवाइड में ए आ जाएगा। ओके, क्योंकि ए को इन दोनों में से बाहर लिया, यहाँ तो ए है यहाँ है नहीं, तो डिवाइड में आ जाएगा ए, और इसकी पावर कितनी है एन, और माइनस यहाँ पर क्या है ए की पावर एन। डिवाइड में देखिए ये ए ए से ये माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड में हमारा क्या बच रहा है टी। ओके, अभी यहाँ पर इन दो इसकी जगह मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज़ करूँगा, तो देखिए बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या है यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। अगर हमारे पास हो 1 प्लस, यहाँ पर 1 है तो 1 1 के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पर कुछ भी ए भी हो सकता है आपके पास, बी भी हो सकता है। ओके, अगर इसकी पावर एन हो, 1 प्लस एक्स की पावर एन मान लेते हैं हम एक बार, तो ये क्या होता है 1 की पावर एन और यहाँ पर एक्स की पावर 0 और एन सी 0। ओके, और प्लस सेकंड में आएगा एन सी 1 और एक्स की पावर 1 और 1 की पावर एन माइनस 1। ओके, सेकंड में आएगा इसी प्रकार एन सी 2 और यहाँ पर एक्स की पावर 2 और 1 की पावर एन माइनस 2। ओके, इसी प्रकार ये चलता जाएगा, लास्ट में ये आ जाती है एन सी एन, सॉरी एन सी, लास्ट में आ जाती है ये टर्म एन सी एन और 1 की पावर 0 और एक्स की पावर आ जाती है एन। ओके, ये हमारी बाइनोमियल एक्सपेंशन है। यहाँ पर अगर यहाँ पर बी हो तो इसकी 1 की जगह हम बी रखेंगे इसमें। ओके, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, 1 प्लस टी डिवाइड बाय ए की पावर एन, तो इसके लिए हम देखेंगे 1 प्लस टी डिवाइड बाय ए की पावर एन। अगर इसके लिए मैं यूज़ करूँ तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक्स की जगह क्या है, टी बाय ए, तो एक्स की जगह टी बाय ए रख देता हूँ मैं। देखिए 1 की पावर
वन की पावर एन और एक्स की जगह टी बाय ए की पावर 0 और एन सी नोट प्लस एन सी 1 और एक्स की जगह टी बाय ए की पावर 1 और 1 की पावर एन माइनस 1 ओके प्लस एज इट इज चलता जाएगा, लास्ट में क्या है एन सी एन और 1 की पावर 0 और टी बाय ए की पावर एन ओके। तो देखिए इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे हम, तो 1 प्लस टी बाय ए की पावर एन, इसको 1 की पावर अगर एन हो, 1 की पावर कुछ, 1 की पावर यहाँ पर 1 हो 2 हो या एन हो, एन पॉजिटिव इंटीजर है हमारा तो ये 1 ही रहेगा यहाँ पर, और टी डिवाइड बाय ए है यहाँ पर, इसकी पावर है 0, तो किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 ही होता है। तो और एन सी नोट, एन सी नोट की वैल्यू होती है 1 हमारी, और एन सी 1 की वैल्यू होती है एन ओके। और यहाँ पर आगे आने वाली टर्म की भी इसी प्रकार एन सी 2 की वैल्यू होती है एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, एन सी 2 की वैल्यू होती है एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इसी प्रकार ये ओके। और एन सी एन की वैल्यू होती है 1, देखिए प्लस यहाँ पर इसकी एन सी 1 की वैल्यू क्या होती है एन और टी बाय ए इंटू 1 फैक्टोरियल भी आएगा, प्लस एन सी 2 की वैल्यू होती है एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल और इसकी इसकी पावर 2 आ जाएगी, तो टी डिवाइड बाय ए की पावर 2 प्लस इसी प्रकार ये एन टाइम तक चलता रहेगा ओके। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे ऊपर इस फॉर्मूले में, यहाँ पर 1 प्लस टी डिवाइड बाय ए की पावर एन की जगह, तो लिमिट टी टेंड टू 0 ओके। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए की पावर एन है, यहाँ पर ए की पावर एन है, तो मैं ए की पावर एन को यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ, ए की पावर एन को मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर कितना बचेगा, और इसकी जगह मैं ये फॉर्मूला रख रहा हूँ 1 प्लस एन इंटू टी डिवाइड बाई ए और प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू क्या है टी स्क्वेयर डिवाइड बाई ए का स्क्वेयर और प्लस एज इट इज चलता जाएगा, ये लास्ट वैल्यू नहीं लिख रहा मैं यहाँ पर ओके। और यहाँ पर हमारे पास ए को हमने कॉमन लिया था, तो ए की जगह क्या है, ए की पावर एन को हमने कॉमन लिया था, तो इसकी जगह हमारे पास क्या है यहाँ पर माइनस 1 ओके। और इसकी जगह मैंने ये वैल्यू रख दी है, मैं लास्ट टर्म नहीं लिख रहा यहाँ पर ओके। और डिवाइड में क्या चल रहा है, इसके हमारे पास यहाँ पर टी, तो टी रख दिया है मैंने। देखिए अभी अगर ये ब्रैकेट खोलूँ तो ये माइनस 1 है और यहाँ पर हमारे पास प्लस 1 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो लिमिट टी टेन टू 0 और हमारे पास यहाँ पर क्या बच रहा है एन और टी भी यहाँ पर कॉमन ले रहा हूँ मैं, ए की पावर एन है और टी भी इसमें से एक टी बाहर ले रहा हूँ मैं, तो टी लेंगा मैं बाहर और अंदर क्या बचेगा, टी मैंने बाहर ले लिया है एक टी, इन पूरी टर्म में टी है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी स्क्वेयर है, आने वाली में टी क्यूब होगा, फिर इन सभी में टी है, तो एक टी मैंने बाहर ले लिया है, तो अंदर बचेगा ये एन डिवाइड बाय ए और प्लस यहाँ पर एन इंटू एन माइनस 1 और यहाँ पर टी स्क्वेयर है, तो यहाँ पर टी बच जाएगा डिवाइड बाय ए स्क्वेयर, नेक्स्ट टर्म में भी ऐसे ही टी होगा ओके, और प्लस एज इट इज चलती जाएगी एन टाइम तक। और नीचे हमारे पास क्या है, ये एन है ओके, नीचे हमारे पास है इसके डिवाइड में टी, तो ये टी से
हमारा टी कैंसिल हो जाएगा, और अभी लिमिट एक्स टेंड टू 0 से अप्रोच करवा देता हूँ मैं, यानी कि टी की जगह 0 रख देता हूँ। तो देखिए ए की पावर एन हमारे पास बाहर है, और ये है एन डिवाइड बाई ए प्लस यहाँ पर टी टी है, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। आगे वाली सभी टर्म में टी है तो आगे सभी 0 0 हो जाएगी हमारे पास। ओके, तो यहाँ पर क्या बच रहा है हमारे पास, ए की पावर एन इंटू एन डिवाइड बाई ए। ओके, तो ये ए की ऊपर ए की पावर एन है और नीचे एक ए है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ए इंटू ए की पावर एन माइनस वन, क्योंकि पावर आपस में ऐड होती है तो ये पावर एन ही हो जाएगी, इंटू एन है यहाँ पर। ओके, और नीचे डिवाइड में ए है तो ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं एन इंटू ए की पावर एन माइनस वन। ओके, यही हमने इस लिमिट को प्रूव करना था, एन इंटू ए की पावर एन माइनस वन। ओके, थैंक यू गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।